दोस्तों गुड मॉर्निंग। अपन डिस्कस कर रहे थे, पृथ्वी से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे, अर्थ के बारे में बात कर रहे थे। जो पृथ्वी के बारे में मैंने आपको अभी तक बताया था कि पृथ्वी की नॉर्मली इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसकी शेप क्या होती है, उससे रिलेटेड अपन डिस्कस किया था। आगे अपन देखते हैं। देखो, एक तो अपन देखते हैं पृथ्वी के मंडल, पृथ्वी की मंडल देखते हैं, स्फीयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की मंडल। पृथ्वी के अंदर अपन मंडल के बारे में देखें तो सबसे पहले एक मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम के बाद अपन बात करेंगे। जैसे इसके अंदर सबसे पहले क्या है, ये जैसे पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ मंडल होते हैं पांच। जैसे एक मंडल ये, दूसरा मंडल अपने पास ये, तीसरा मंडल अपने पास ये और चौथा मंडल अपने पास ये और पांचवा मंडल अपने पास ये। पांच स्फीयर है, पांच मंडल है। पांच में से आज तक 12 क्वेश्चन पूछे गए इसके अंतर्गत। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अपन मंडल के बारे में बात करें, सबसे पहला मंडल देखो ये है, दूसरा मंडल इसके अंतर्गत ये है, तीसरा मंडल ये, चौथा मंडल ये और पांचवा मंडल ये। जो पहला मंडल है इसको अपन कहते हैं ट्रोफोस्फीयर, ट्रोफोस्फीयर है ये, इसको अपन बोलते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल है। दूसरा स्फीयर है वह स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर ये इसको अपन बोलते हैं समताप मंडल। और तीसरा जो स्फीयर है, थर्ड स्फीयर है, ये होता है मेजोस्फीयर, ये इसको अपन बोलते हैं मध्यमंडल, ये मध्यमंडल है। और आगे वाला जो स्फीयर है चार नंबर का, वो स्फीयर है आयनोस्फीयर, मतलब आयन मंडल, आयन मंडल है, आयनोस्फीयर है। और इसके बाद वाला जो स्फीयर है वो बहिर्मंडल है, मतलब एक्सोस्फीयर है। इन पांच मंडलों के अंदर अपन देखें, इन पांच के अंतर्गत ये तो सबसे क्या होता है, अंदर का होता है, इन होता है अंदर, और ये क्या होता है, बाहर का होता है। यदि अपन अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो इसके अंतर्गत देखते हैं ये ऑर्डर रहता है, ये सीक्वेंस रहता है, ये तो बाहर का है और ये क्या होता है, अंदर का स्फीयर, अंदर से बाहर की ओर ये सीक्वेंस रहता है। और इसके अंदर देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है, एक यहाँ हल्की सी लेयर है, हल्की सी लेयर, और एक यहाँ बहुत गहरी लेयर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है, जो छतरी कहलाती है, पृथ्वी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट परत होती है। और ये जो इम्पोर्टेंट लेयर है, इम्पोर्टेंट जो परत होती है, इस परत का जो अपन नाम रखते हैं, ये इम्पोर्टेंट लेयर है ओजोन लेयर। इसके अंदर देखो ये जो परत है, ये परत क्या कहलाती है, ओजोन परत है। ये भी ओजोन लेयर है, ओजोन परत है। ये जो लेयर होती है ये 90% है और ये जो होती है वो क्या होती है, 10% है। एक तो 90% है और ये क्या होती है, 10% है। अब देखो अपन पृथ्वी की मंडल से रिलेटेड आज तक टोटल 12 क्वेश्चन पूछे हैं। इन 12 क्वेश्चन के अंदर अपन बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा स्फीयर है, कौन सा मंडल है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक मंडल कौन सा है,
ट्रोफोस्फीयर है। पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट में पूछा था कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक मंडल कौन सा मंडल है, ट्रोफोस्फीयर है। वहाँ देखो ऑप्शन क्षोभ समताप या मध्य मंडल नहीं डाला था, वहाँ पर ऑप्शन कौन सा डाला था, ट्रोफोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर और एक्सोस्फीयर डाला था। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्फीयर कौन सा होता है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्फीयर है कौन सा, ट्रोफोस्फीयर। दूसरा जो इसका क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था इस साल रिट फर्स्ट लेवल के अंदर, वो क्वेश्चन ये पूछा था कि ऐसा कौन सा स्फीयर है, ऐसा कौन सा मंडल है जिसका एवरेज टेम्परेचर जीरो है। या उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो ऐसे पूछा था कि स्ट्रेटोस्फीयर का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, स्ट्रेटोस्फीयर का समताप मंडल का जो एवरेज टेम्परेचर होता है, समताप मंडल का जो एवरेज टेम्परेचर है, औसत ताप है, वो होता है जीरो। ये इस साल रिट फर्स्ट लेवल के अंदर पूछा था कि समताप मंडल का एवरेज टेम्परेचर कितना है, कितना होता है, जीरो होता है। अभी तक मैंने तीन क्वेश्चन बताए, एक तो पृथ्वी के नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं, पांच, पृथ्वी के सबसे नजदीक स्फीयर कौन सा है, ट्रोफोस्फीयर, और स्ट्रेटोस्फीयर का एवरेज टेम्परेचर कितना है, जीरो। और देखो एक क्वेश्चन इसमें ये पूछ रखा है कि कौन सा स्फीयर है, कौन सा मंडल है जिसमें धूल, धुआं, मिट्टी, आंधी, तूफान, बारिश सारे प्रदूषक रहते हैं, जो सारे प्रदूषक है वो कौन से स्फीयर में रहते हैं, कौन से स्फीयर में, ट्रोफोस्फीयर में। सभी वायुमंडलीय घटनाएं कौन से स्फीयर में घटित होती है, क्षोभ मंडल के अंदर घटित होती है। क्वेश्चन देखो इसके अंतर्गत एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रखा है, ये पूछ रखा है कि ओजोन परत है, ओजोन लेयर है वो कौन से स्फीयर में होती है। देखो ओजोन लेयर है ये एक 10% ओजोन लेयर है तो किसमें, क्षोभ मंडल में, और मेन जो ओजोन लेयर है वो किसके अंतर्गत है, समताप मंडल में। मतलब मेनली मुख्य जो ओजोन परत है वो कौन सा मंडल में होती है, समताप मंडल के अंदर होती है। और एक देखो इसका पिछले साल यूपीएससी में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, ऐसा कौन सा स्फीयर है, ऐसा कौन सा मंडल है जो नॉन क्रायोजेनिक लेयर, सबसे शीत स्फीयर कौन सा है, ये क्रायोजेनिक स्फीयर है, क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक का मतलब होता है जिसका टेम्परेचर बहुत कम है, इस लेयर का टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो सबसे जो कम टेम्परेचर वाली, सबसे न्यूनतम तापमान वाली जो क्रायोजेनिक लेयर है वो कौन सी होती है, मेजोस्फीयर। क्वेश्चन आता है कि कौन सी है जिसमें वायुमंडलीय घटना घटित होती है, किसमें, क्षोभ मंडल में। कौन सी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, कौन सी, ट्रोफोस्फीयर। कौन सी जिसके अंदर धूल, धुआं, मिट्टी से पार्टिकल्स रहते हैं, किसके अंदर, किस आंधी तूफान बारिश होते हैं, किसके अंदर। ओजोन परत किसमें होती है, स्ट्रेटोस्फीयर का एवरेज टेम्परेचर कितना है, जीरो। क्रायोजेनिक लेयर कौन सी होती है, मेजोस्फीयर। मेजोस्फीयर का टेम्परेचर कितना तक चला जाता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। एक देखो इसका यूपीएससी में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रखा है, वो एक क्वेश्चन ये पूछ रखा है कौन सा स्फीयर है, कौन सा मंडल है जिसके अंतर्गत आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च इन दोनों में करते हैं, इन दोनों में से बेस्ट आंसर कौन सा रहेगा, आयन मंडल। यदि ऑप्शन नहीं तो क्या रहेगा, बहिर्मंडल। तो एक तो इसके अंतर्गत ऑप्शन है आयन मंडल, एक है बहिर्मंडल। तो ये डबल करेक्ट है, ये कौन सा है, सिंगल करेक्ट है। कि कृत्रिम उपग्रह, भूस्तर उपग्रह किस में छोड़े जाते हैं, किस में छोड़े जाते हैं, आयन मंडल में। ऑप्शन नहीं है तो कौन सा है, बहिर्मंडल। एक देखो इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन से स्फीयर है, कौन सा मंडल है रिलेटेड टू इंटरनेट कम्युनिकेशंस। इंटरनेट कम्युनिकेशन से मोबाइल्स, ब्लूटूथ, रेडियो, रेडियो स्टेशन, संचार के साधनों से संबंधित कौन सा स्फीयर है, आयनोस्फीयर। और आयनोस्फीयर ऑप्शन नहीं है तो कौन सा करना पड़ेगा, बहिर्मंडल। और एक क्वेश्चन इसी को ये पूछ रखा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, बाहर की ओर जाने पर मंडलों का क्रम कौन सा है। तो ये ऊपर जाने पर मंडलों का क्या है, ऑर्डर है, क्रम है। एक क्वेश्चन ने पूछ रखा है कि बाहर से यदि पृथ्वी की तरफ आते हैं तो मंडलों का क्रम कौन सा है, तो मंडलों का क्रम कौन सा रहेगा, ये रहेगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो पृथ्वी की मंडल का। आज तक इसका लगभग जो 12 क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि कौन सा परत है, कौन सी लेयर है जिस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के लिए छतरी का काम करती है।
पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को हानिकारक विकिरण से बचाने का काम करती है। अल्ट्रावायलेट से प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करती है। कौन सी? ओजोन लेयर, ओजोन परत। तो इस क्लास में दोस्तों अपन ने डिस्कस किया है पृथ्वी के मंडल के बारे में। आगे अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन जो पिछले साल एसएससी यूपीएससी के अंतर्गत पूछा था, इसका वो क्या क्वेश्चन पूछा था उसको देखो। ये अपनी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है। और ये पृथ्वी का अपन एक्सिस मान लेते हैं और यहां देखो सूर्य है और सूर्य से लगातार प्रकाश पृथ्वी की तरफ आ रहा है। सूर्य से प्रकाश लगातार पृथ्वी की तरफ आ रहा है। और इस पृथ्वी का जो उपग्रह है ये चंद्रमा है। पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है चंद्रमा और पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर। और पृथ्वी खुद के एक्सिस के ऊपर ही घूम रही है। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे पूछ रखा है, इसके चार पांच क्वेश्चन बताता हूं आपको अच्छे अच्छे। एक तो क्वेश्चन ये आता है कि सूर्य का प्रकाश से पृथ्वी की तरफ आकर के गिर रहा है, पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर आकर गिरता है। इस पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर आकर के जो सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जो पृष्ठ पर आकर के गिरता है वो किस मेथड के द्वारा गिरता है, किस विधि के द्वारा गिरता है। उन ऑप्शन डाला था नंबर एक विकिरण विधि के द्वारा, सेकंड ऑप्शन उन्होंने डाला था वो डाला था चालन के द्वारा, और थर्ड ऑप्शन उन्होंने डाला था वो डाला था कन्वेंशन या सेवन के द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन डाला था उन्होंने वो आलोकतिज एओटी डाला था। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक आ रही है, सूर्य की हीट या उष्मा पृथ्वी तक आ रही है किस मेथड के द्वारा। देखो हीट या उष्मा ट्रांसफर के तीन तरीके हैं। इन तीन तरीकों में से एक तरीका होता है वो रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, एक चालन होता है, एक होता है कन्वेंशन होता है, सेवन होता है। ये तो मोस्ट कॉमन किस में रहता है, गैस के अंदर और लिक्विड के अंदर। और चालन है वो देखो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है, बट सॉलिड में ओनली कौन सा होता है, चालन होता है। देखो चालन तीनों में हो सकता है बट ठोसों में ओनली कौन सा होता है, चालन होता है। और ये किस में रहता है, निर्वात के अंदर। और अपन जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या है, वैक्यूम है, अर्थात सूर्य का प्रकाश विकिरण विधि के द्वारा, सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि के द्वारा कहां तक पहुंच रहा है, पृथ्वी तक। एक इसका देखो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश का मतलब क्या चीज आ रही है, प्रकाश ऊर्जा आ रही है, प्रकाश ऊर्जा। ये पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर आकर के क्या गिर रहा है, सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, मतलब क्या आ रही है, प्रकाश ऊर्जा आ रही है। और ये जो प्रकाश ऊर्जा है ये कन्वर्ट हो रही है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो रही है। देखो इसको समझो, ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है और सूर्य का प्रकाश आने का मतलब कौन सी ऊर्जा आ रही है, प्रकाश ऊर्जा आ रही है। और ये प्रकाश ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है, रासायनिक ऊर्जा के अंदर। और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये जो काम कर रहा है प्रकाश संश्लेषण का जो काम कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है, शैवाल कर रहा है। ये काम कौन कर रहा है, बैक्टीरिया कर रहा है, जीवाणु कर रहा है। और ये काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, हरे पादप कर रहे हैं।
ग्रीन प्लांट, हरे प्लांट कर रहे हैं, हरे पादप कर रहे हैं। अब इसके अंदर अपन देखें, इनमें जो तीन है, इस तीन में से 90% तो क्या रहते हैं, ये रहते हैं, और लगभग 3 से लेकर के 5% के आसपास ये है, और लगभग 1 से लेकर के 2% के आसपास क्या है, ये है। रेस्ट जो भी ब्लूगरी एल्गीज है, जैसे नील हरित शैवाल है, ब्लूगरी एल्गीज है, जो भी है रेस्ट ये काम करती है। एक तो क्वेश्चन आता है कि इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें सबसे ज्यादा मेन प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, ग्रीन एल्गी शैवाल करते हैं, और कितने परसेंट करते हैं, 90%। और जीवाणु कितने परसेंट करते हैं, और हरे प्लांट कितने परसेंट करते हैं, ये कुल मिलाकर के प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश ऊर्जा का किसमें कन्वर्ट करना, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना प्रकाश संश्लेषण है। अब देखो क्वेश्चन आता है, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जो प्राणी समस्त संचालित हो रहे हैं किस ऊर्जा का यूज करके, रासायनिक ऊर्जा का, और रासायनिक ऊर्जा कहां से आती है, सूर्य से। इसका मतलब इस पूरी पृथ्वी को चलाने वाला, संचालित करने वाला कौन है, सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है, सूर्य। अपने बायोसिस्टम में, अपने जैविक तंत्र के अंतर्गत ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है, सूर्य। तो सूर्य से रेडिएशन विकिरण विधि के द्वारा लगातार क्या रहा है, प्रकाश आ रहा है। अब देखो अपन जानते हैं, जो अपन डिस्कस करें, ये चंद्रमा नहीं है, सॉरी चंद्रमा इसके चारों तरफ, ये पृथ्वी, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा। अब देखो अपन डिस्कस करते हैं कि चंद्रमा चमक रहा है क्यों। देखो अपने इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितने ग्रह या उपग्रह हैं उनके चमकने के दो कारण होते हैं। ब्रह्मांड में ग्रह या उपग्रह के चमकने के क्या रहते हैं, दो कारण रहते हैं। एक तो कारण रहता है रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा कारण क्या रहता है, TIR रहता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी ग्रह उपग्रह चमकने के दो कारण है, एक तो परावर्तन है, एक इसके अंदर का TIR या परावर्तन हो गया, और दूसरा जो सेकेंड जो कारण है वो रीजन होता है नाभिकीय सलिन, नाभिकीय सलिन के कारण। इनमें से मेन कौन सा रहता है, एक तो ये मेन रहता है, और दूसरा कौन सा रहता है, मेन ये रहता है। अब अपने इस अंतर्गत देखें, जो इस ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह या उपग्रह चमक रहा है उसका कारण एक तो नाभिकीय सलिन है, दूसरा कारण क्या है, परावर्तन है। अब जैसे सूर्य चमक रहा है किसके कारण, नाभिकीय सलिन के कारण। इस प्रकार का कोई भी ग्रह या उपग्रह जिसमें खुद में नाभिकीय सलिन होता है वो जो चमकता है उसका एक कारण तो नाभिकीय सलिन हो गया। अब देखो जैसे अपन चंद्रमा के बारे में बात करें, चंद्रमा एकमात्र इस पृथ्वी का क्या होता है, प्राकृतिक उपग्रह है, अवशिष्ट उपग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये चमकता है क्योंकि इसका प्रकाश कहाँ पे गिरता है, यहाँ पर, और प्रकाश यहाँ पे आके गिरता है तो टकरा करके कहाँ आता है, पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर रहता है तो यहाँ से जाता है, इसी माध्यम में लौट आता है, अर्थात क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो चंद्रमा के चमकने का कारण क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। तो चंद्रमा एक शीतल ग्रह कहलाता है। और इस प्रकार से देखो, सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, और चंद्रमा घूम रहा है। कुल मिलाकर के अपने पास तीन चीज आ गई, एक सूर्य आ गया, ये सूर्य, और ये अर्थ पृथ्वी, और एक अपने पास तीसरा जो है वो क्या है, मून, चंद्रमा। अब देखो कभी भी ये तीनों घूमते हुए एक रेखा में आ जाते हैं, दो कंडीशन बन सकती है। देखो इसके अंदर दो कंडीशन बनती है, या तो क्या आ गया, सन आ गया, और ये अर्थ आ गया, और ये मून आ गया, ये कंडीशन बन सकती है। और कई बार देखो कंडीशन ये बनती आती है कि इसके अंदर सन है और ये मून है और ये क्या होती है, अर्थ, ये कंडीशन आ गई। देखो तीनों घूम रहे हैं, सूर्य भी घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, और चंद्रमा भी घूम रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य अर्थ चंद्रमा एक लाइन में आ गए, या सूर्य मून और अर्थ एक लाइन में आ गए,
तो इसके कारण क्या होता है, देखो जैसे सूर्य का प्रकाश है, अर्थ पर गिर रहा था, चंद्रमा पर गिर रहा था, बीच माने से आप जानते हो कि चंद्रमा छोटा होता है, इस कारण सारा प्रकाश पृथ्वी पर आ गया तो चंद्रमा पे क्या हो गया, अंधेरा हो गया। इसको अपन क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण कहते हैं। मतलब सूर्य अर्थ और पृथ्वी, ये सॉरी सूर्य अर्थ और मून एक लाइन में आते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। और कई बार ऐसा आता है जैसे सूर्य आ गया, पृथ्वी सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया, इस कारण इस पृथ्वी के ऊपर क्या आ गया, अंधेरा आ गया, और इसको अपन क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, इक्लिप्स क्या चीज है, ग्रहण कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, यह आपको संभाल होना चाहिए। एक देखो दोस्तों, नॉर्मली आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी अपने पास ग्रह या उपग्रह है, एनी सैटेलाइट एंड प्लैनेट है, किसी भी ग्रह या उपग्रह का जो कलर आता है वो कलर किसके कारण आता है, ताप के कारण। तापमान देखो क्या होता है, रंग का सूचक होता है, क्योंकि तापमान क्या होता है, लैम्ब्डा और आवृत्ति को चेंज कर देता है। आप जानते हो कि लैम्ब्डा या आवृत्ति बदलने से क्या बदल जाता है, कलर बदल जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किसी भी ग्रह या उपग्रह का कलर का इंडिकेटेड करता है, कलर किसका इंडिकेशन होता है, तो कलर किसका इंडिकेशन होता है, इसका जो कलर इंडिकेशन होता है तापमान का, टेम्परेचर का इंडिकेटर है। तो दोस्तों अपन इस पॉइंट के अंदर डिस्कस किया, पहला पॉइंट अपन इस क्लास में डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था पृथ्वी के स्फीयर या मंडल। इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस किया है, वो डिस्कस किया है कि नॉर्मली प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, कौन ज़्यादा करता है, कौन कम करता है, कोई भी ग्रह या उपग्रह क्यों चमकते हैं, चंद्रमा कैसे घूमता है, पृथ्वी कैसे घूमती है, इक्लिप्स कैसे बनते हैं, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, उनके बारे में अपन डिस्कस किया है। आगे देखो, ये अपनी पृथ्वी है और ये सूर्य, ये मान लिया ये सूर्य, हालांकि सूर्य देखो बहुत बड़ा होता है पृथ्वी की तुलना में, मैंने कल बताया था 109 गुना होता है। अब इस सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को ऊपर आ रहा है, पृथ्वी को ऊपर आ रहा है तो ये इक्वेटर है, और इस पूरी पृथ्वी पर देखो प्रकाश क्या होता है, अलग अलग गिर रहा है, अलग अलग मात्रा के अंदर गिर रहा है, कहीं ज़्यादा गिर रहा है, कहीं क्या गिर रहा है, कम गिर रहा है। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रकाश इस पृष्ठ के ऊपर गिर रहा है। अब देखो इस पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रकाश जब अलग अलग गिरेगा, जब प्रकाश अलग अलग गिरेगा तो अपन जानते हैं प्रकाश संश्लेषण अलग अलग होगा, प्रकाश संश्लेषण अलग अलग होगा तो उत्पादकता अलग अलग होगी, और उत्पादकता अलग अलग होगी तो जीव जंतु पेड़ पौधों की वैरायटी अलग अलग होगी, अर्थात इस पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या होती है, जैविक विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है पूरी पृथ्वी के ऊपर। यहाँ से अपन 100 किलोमीटर भी चलें तो पूरी पृथ्वी के ऊपर जीव जंतु पेड़ पौधे रहन सहन खान पीन पॉपुलेशन डेंसिटी सब कुछ बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रकाश क्या होता है, अलग अलग मात्रा में गिरता है। प्रकाश अलग अलग मात्रा में गिरता है तो प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है, उत्पादकता अलग अलग होती है तो पॉपुलेशन डेंसिटी अलग होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है तो वैरायटी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब देखो इस पूरी पृथ्वी को 8 बड़े बायोमों के अंतर्गत बांटा जाता है, जो आप ज्योग्राफी में डिस्कस करोगे। यहाँ पर अपन इसको समझने के लिए, ये इक्वेटर भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के आसपास का जो जोन है इसको अपन 4 क्षेत्रों में बांट देते हैं। इसके भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र इसका ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, ये ट्रॉपिकल क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है भूमध्य, जैसे अपन ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। देखो दोस्तों, चाहे आप इधर जाओ और चाहे आप इधर जाओ, दोनों एक जैसे हैं, चाहे तो अपन ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, एक जैसा मिलता है। तो इस भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, इसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इसके ऊपर वाला कौन सा होता है, ये होता है टेम्परेट एरिया, समशीतोष्ण क्षेत्र, टेम्परेट एरिया। और इससे ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है वो अपन टेगा प्रदेश मानते हैं, और ये जो बर्फ से ढका होता है वो कौन सा होता है, टुंड्रा होता है। तो आपको एक तो ये मालूम होना चाहिए कि अपनी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंतर्गत अपन इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं, तो क्षेत्रों का कौन सा क्रम सही है, क्षेत्रों का कौन सा क्रम सही है, ट्रॉपिकल है, फिर टेम्परेट है, फिर टेगा है, फिर कौन सा है, टुंड्रा बायोम। एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें आता है कि इस पूरी पृथ्वी का कौन सा भाग है,
जो बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ भाग कौन कहलाता है? टुंड्रा बायोम। इसमें एक टिम्बर लाइन होती है, उस टिम्बर लाइन के ऊपर कोई भी वनस्पति नहीं होती है, कोई भी किसी प्रकार का क्या होता है, वनस्पति नहीं होती है। जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण घटता जाता है। प्रकाश संश्लेषण घटता है तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कम होती है। जैविक विविधता क्या होती है, कम होती है। यहाँ अपन इसके अंतर्गत देखो, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर यहाँ के आसपास अपना भारत है, और इसका कुछ क्षेत्र देखो इधर चला जाता है, कुछ क्षेत्र यहाँ आ जाता है। मतलब किसके अंदर आता है, इक्वेटर के आसपास आता है, भूमध्य रेखा के आसपास होता है भारत का कुछ क्षेत्र। और जो इस साल यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा उत्पादकता, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन से क्षेत्र में होता है, कौन से क्षेत्र में होता है, ट्रॉपिकल के अंदर। क्योंकि अब प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा है, उत्पादकता ज़्यादा है, वैरायटी ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो यहाँ जीव जंतु पेड़ पौधों की भिन्नता ज़्यादा है। अब देखो अपन बात करें संपूर्ण विश्व के, अपन देखें भूमध्य रेखा के आसपास लगभग 34 के आसपास जोन आते हैं, जिन्हें अपन हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं, जिसमें से भारत का जो हॉटस्पॉट के अंतर्गत जो पार्ट आता है वो अंडमान आता है, निकोबार आता है, पश्चिम बंगाल आता है, इंडो ब्रह्मा आता है, और सबसे ज़्यादा जैविक विविधता होती है पश्चिम घाट के अंदर। पश्चिम घाट के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, जैविक विविधता होती है। तो अपने को सब मालूम होना चाहिए कि पूरी पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार से नॉर्थ पोल, उत्तर पोल, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, टेगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, सहकिस्टो थर्मस, कहाँ पर जैविक विविधता कम होती है, कहाँ पर ज़्यादा होती है, क्यों होती है, जैविक विविधता के रीज़न क्या है, कारण क्या है। क्लियर है? ये एक अपन नॉर्मली पॉइंट देखा है जिस साल यूपीएससी के अंतर्गत क्वेश्चन बना था कि सबसे ज़्यादा जैविक विविधता कहाँ होती है। क्लियर है? इसके बाद अपन बात करते हैं पृथ्वी का वायुमंडल, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल के अंतर्गत अपन देखें, सबसे पहले तो देखो वायुमंडल या एटमॉस्फेयर क्या चीज है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल क्या चीज है, एटमॉस्फेयर है क्या, कैसे बना एटमॉस्फेयर। देखो ये अपनी पृथ्वी है, ये अर्थ, और इस पृथ्वी के चारों तरफ एक कवर है, एक आवरण है, पृथ्वी के चारों तरफ एक कवर है, ये आवरण है, ये स्फीयर है। ये स्फीयर क्या कहलाता है, मैं नाम बताया था, क्षोभ मंडल। और इस स्फीयर के अंतर्गत धूल, धुआं, मिट्टी, आंधी, तूफान, बारिश है। और इस स्फीयर के अंतर्गत इसके चारों तरफ क्या होता है, एक प्रकार का वायु का कवर है, वायु का मंडल है। ये पृथ्वी के चारों तरफ एक प्रकार का वायु का कवर है, वायु का आवरण है, वायु का मंडल है। ये जो वायु का जो मंडल है इसको ही अपन क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि एटमॉस्फेयर क्या है, देखो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के चारों तरफ वायु का जो कवर है, वायु का आवरण है, ये जो वायु का कवर या आवरण क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। अब देखिए अपनी पृथ्वी, इस पृथ्वी के चारों तरफ वायु का जो स्फीयर, वायु का जो मंडल है, ये वायुमंडल है। इसमें ये वायु क्या चीज है, वायु क्या चीज होती है, गैसों का समांगी मिश्रण है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेज, गैसों का क्या चीज है, समांगी मिश्रण। क्वेश्चन आता है कि इस पृथ्वी के चारों तरफ पाया जाने वाला होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेज, गैसों का जो समांगी मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। अब देखो ये इस पृथ्वी के चारों तरफ ही वायुमंडल क्यों है, कारण क्या है, जिससे अपन एक जनरली क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा है, आज तक देखो इसमें 10 या 12 क्वेश्चन पूछे एक साथ, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन एक साथ बताता हूँ। ये तो मैंने आपको बताया था कि इस पृथ्वी के चारों तरफ ही वायुमंडल है, क्यों, कारण क्या है, इस वायुमंडल का मतलब क्या होता है, वायुमंडल क्या चीज़ है, वायु क्या चीज़ है, वायु का मतलब क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेज, गैसों का समांगी मिश्रण वायुमंडल है। और पृथ्वी के चारों तरफ ही क्यों है, उसका कारण क्या है। जैसे इसमें क्वेश्चन जो पूछ रखा है, अलग अलग टाइप से पूछ रखा है कि भाई चंद्रमा की तरफ वायुमंडल क्यों नहीं है, चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं है, जबकि पृथ्वी के ऊपर ऐसा है। तो इसके अंतर्गत देखो पृथ्वी के ऊपर ही वायुमंडल क्यों है, पहला कारण क्या है कि मास ऑफ अर्थ
इज ग्रेटर देन मास ऑफ मून. मास ऑफ मून मतलब चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी का मास ज्यादा है. और मास ज्यादा का मतलब क्या ज्यादा है? मास ज्यादा का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून. पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण, वो ज्यादा होता है. या इसी को अपन कह सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण अर्थ है इसका ज्यादा होता है. गुरुत्वीय त्वरण अर्थ का ज्यादा होता है. कितना ज्यादा होता है? जो चंद्रमा की तुलना में, मून की तुलना में कितना गुना ज्यादा होता है? 6 गुना ज्यादा होता है. तो आप देखो पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, नो डाउट द्रव्यमान ज्यादा है तो गुरुत्वीय बल ज्यादा है, और गुरुत्वीय बल ज्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा है. गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा है तो ये क्या करता है? धूल धुआं मिट्टी को अपनी तरफ खींच लेता है. पृथ्वी खींच लेता है तो उनके चारों तरफ क्या बन जाता है? वायुमंडल. सेकेंड डिविजन है जो पृथ्वी होती है उस पृथ्वी के ऊपर अणुओं का जो VRMS होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है. किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर. किसकी तुलना में? VRMS ऑफ किसकी तुलना में? मून की तुलना में. मतलब चंद्रमा के ऊपर जो अणु होते हैं वो उनका VRMS ज्यादा होता है. VRMS ज्यादा होता है उस कारण क्या होते हैं? भाग जाते हैं. अर्थात क्या नहीं बनता है? वायुमंडल नहीं बनता है. या देखो अपन कह सकते हैं कि वहां पर देखो जो एटमोस्फेरिक दाब है, ATM है, वायुमंडल दाब है, यदि अपन देखें अर्थ का क्या होता है? ज्यादा होता है. किसकी तुलना में? PATM ऑफ किसकी तुलना में? मून की तुलना में. यहां पर पृथ्वी के ऊपर वायुमंडलीय दाब ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ गैसें हैं और गैसों के कारण क्या होता है? वायुमंडलीय दाब होता है. तो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडलीय दाब ज्यादा है. क्यों ज्यादा है? कारण क्या है? गैसें ज्यादा है और गैसें ज्यादा है इस कारण क्या है? वहां पर क्या है? वायुमंडल है. या अपन बात करते हैं 3 नंबर कि जो एस्केप वेलोसिटी है, प्लाइन वेग है, एस्केप वेलोसिटी प्लाइन वेग है, वो अर्थ का क्या होता है? ज्यादा होता है. एस्केप वेलोसिटी किसकी तुलना में? मून की तुलना में. चंद्रमा की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है. आप जानते हो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और चंद्रमा का प्लाइन वेग है वो सिर्फ एंड सिर्फ कितना होता है? ओनली एंड ओनली 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है. तो दोस्तों अपन बात करें तो ये वो रीजन्स है, ये वो सारे कारण हैं जिसके कारण आज पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है जबकि चंद्रमा के चारों तरफ वायुमंडल नहीं है. अर्थात चौथा आंसर क्या रहेगा? AOT, ऑल ऑफ दिस. क्या रहेगा? ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन ये आता है पृथ्वी के चारों तरफ ही वायुमंडल क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का मास ज्यादा होता है. ऑप्शन नहीं है तो क्या रहेगा? गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है या गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? ज्यादा होता है. पृथ्वी का VRMS कम होता है. चंद्रमा के ऊपर अणु भाग जाते हैं, वेलोसिटी ज्यादा होती है, इस कारण वायुमंडल बन नहीं पाता. जब भाग जाते हैं तो वहां गैसें नहीं, गैसें नहीं तो वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है.